कांग्रेस के निष्ठावान साथियों, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप मायूस ना हों। कांग्रेस पार्टी का बहुत सुनहरा इतिहास है, आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, आप उसको याद रखिए। चाहे आज़ादी दिलाने की बात हो, भारतवर्ष को कांग्रेस पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। चाहे देश को तरक्की पर ले जाने, नई बुलंदी पर ले जाने की बात थी, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही। चाहे वो श्वेत क्रांति थी, चाहे वो हरित क्रांति थी, चाहे यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बात थी, डैम्स बनाने की बात थी, एयरपोर्ट्स बनाने की बात थी, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात थी, IIT, IIM, रोजगार, बोले कांग्रेस की इतनी ज़्यादा देन देश के लिए है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आज देश को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की ही ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कांग्रेस सरकारें बनी हमारे देश ने तरक्की की। तो मायूस नहीं होना है, हमने सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके आना है। और मेरी कांग्रेस हाईकमान से भी ये प्रार्थना है कि जैसे सिंधिया चले गए उससे ज़बरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, मैंने उस वक्त भी कहा था। हाँ, सचिन पायलट के बारे में ऐसी अफवाहें हम सुन रहे हैं, अगर ये अफवाहें हैं तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो कांग्रेस पार्टी को हर हालत में सचिन को मनाना चाहिए। सचिन एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उनके जाने से ज़बरदस्त नुकसान हमारी कांग्रेस पार्टी को होगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से हुआ। और ऐसे ही बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, उनको कांग्रेस को आगे लेने आना चाहिए। कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो लोगों का जनाधार है, जो मास लीडर्स हैं, जो आज की पॉलिटिक्स समझते हैं, उनको कांग्रेस को चेहरे के रूप में आगे लेके आना पड़ेगा। चाहे जनरल सेक्रेटरी की बात हो, चाहे स्टेटों के प्रधान और कोई पोस्ट दे के, क्योंकि लोगों का विश्वास तभी जुड़ेगा कि भाई जनाधार के नेताओं कांग्रेस आगे लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो या जिन्होंने जिंदगी में चुनाव लड़ा नहीं, या फिर जो चुनाव लड़े 30 साल 35 साल हो गए, ऐसे लोगों को अगर हम आगे रखेंगे तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में बनेगा नहीं। कांग्रेस एक सशक्त और मजबूत पार्टी है। हम तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में, चाहे वो प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात, मैं और मेरे सारे साथी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से मजबूती देंगे, ऐसा मेरा वादा है।